केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर भी शेयर की। चौधरी चरण सिंह देश के पांचवे और नरसिम्हा राव नौवे प्रधानमंत्री रहे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पीएम की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। बता दें कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया यह 10वां भारत रत्न है। इससे पहले 3 फरवरी को भाजपा के नेता लाल कृष्ण अडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। इस तरह इस साल 5 हस्तियों को ये सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। इनके अलावा मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को ये सम्मान मिल चुका है। आज की 3 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को हासिल करने वालों में अब तक कुल 53 लोग शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि किसान नेता 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन और देश और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। 19 मई 1987 में 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वही नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनका निधन 23 दिसंबर 2004 को 83 साल की उम्र में हो गया था। जबकि हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने 28 सितंबर 2023 को 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अब सवाल ये उठता है कि मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर क्या होता है, भारत रत्न पाने के बाद क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, उनके परिजनों को क्या क्या फायदा होता है। तो आपको बता दें कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। अपने क्षेत्र में अहम कार्य करने और योगदान देने से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। साल 2011 से पहले सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 2011 में इसमें संशोधन किया गया। अब भारत रत्न पाने के लिए कोई भी क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। भारत रत्न हासिल करने वाले किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि भारत रत्न मिलने पर क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। कई दूसरे अवार्ड्स की तरह भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को रकम नहीं दी जाती। इसे पाने के बाद कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति अगर किसी राज्य में जाता है तो वहां की सरकार राज्य के अतिथि के रूप में उनका स्वागत करती है। उन्हें परिवहन, बोर्डिंग और राज्य में ठहरने की सुविधाएं दी जाती हैं। नियम के आधार पर विस्तारित सुरक्षा भी दी जाती है। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने का न्योता भी दिया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वालों को सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में जगह देती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में भारत रत्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, वे अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जोड़ सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार भारत रत्न में होता क्या है। भारत रत्न सम्मान में एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले शख्स को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट और एक प्राचीन पदक दिया जाता है। ये पदक पीपल की पत्ती के आकार का करीब 5.8 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा, जबकि 3.1 mm मोटाई का होता है। ये तांबे के धातु का बना होता है और इस पर चमकते हुए सूर्य की कलाकृति बनी होती है। फिर इसके नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न लिखा होता है। तो उम्मीद है भारत रत्न के सम्मान से जुड़ी विशेष जानकारी हमारे दर्शकों के बेहद काम आने वाली है। तो इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।